हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजनीति शास्त्र, और सेमेस्टर आपका फोर्थ चल रहा है, ठीक है। यूनिट आपकी थर्ड है, प्रश्न संख्या 12 यानी सेकेंड लास्ट प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देखेंगे प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है और हमें इसमें किस प्रकार लिखना होगा, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है लास्की के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करना है हमें, ठीक है। किसके? लास्की के राजनीतिक विचारों की व्याख्या करनी है। तो चलिए दोस्तों, इसके विचारों की व्याख्या करते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे, देखिए लॉस्की का ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है लॉस्की का, इसे याद रखेंगे। आगे आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको वहां ये मिलेगा देखने के लिए, 100% मिलेगा। आपके प्रश्न में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया तो उसमें ये देखने को मिल सकता है, कौन सा, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये क्या है, लॉस्की का ग्रंथ है। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं, किस प्रकार हैं, राज्य विषय किसी भी सिद्धांत को अगर युगीन संदर्भ में ना देखा जाए तो वह समझ में नहीं आ सकता। आदमी जो कुछ राज्यों के बारे में सोचता है वह सब उसके उस अनुभव का निष्कर्ष होता है, ठीक है, जिससे होकर उसे गुजरना पड़ता है। और लॉस्की, ठीक है, और लॉस्की की समस्त विचारधारा जीवन में समय समय पर प्राप्त अनुभवों का निचोड़ ही है, ठीक है। क्या है, जीवन में प्राप्त समय समय पर अनुभवों का निचोड़ ही है। चलिए अब आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, लॉस्की ने अपना, ठीक है, लॉस्की ने अपना या ने अपना जो है आपका दो बार है, तो इसे काट देंगे, ठीक है, ये आपका दो बार है, कोई बात नहीं। तो लॉस्की ने अपना राजनीतिक चिंतन 1970, ठीक है, 1917 यानी कि 1917 में लगभग एक बहुलवादी और श्रेणी समाजवादी विचारक के रूप में प्रारंभ किया। उसके प्रारंभिक चिंतन में व्यक्तिवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद का कुछ प्रभाव भी स्पष्टतया देखा जा सकता है। 1931, ठीक है, 1931 की विश्वव्यापी मंदी काल में, कैसी विश्वव्यापी मंदी काल में मजदूर दलीय मंत्रिमंडल की जो, ठीक है, को जो नहीं होगा, की और जो अलग होगा, की जो असफलता और पतन, ठीक है, पतन का सामना करना पड़ा, उससे लॉस्की के मस्तिष्क में यह मार्क्सवादी विचार घर करने लगा कि पूंजीवादी व्यवस्था की सभी बुराइयों का उपचार पूंजीवाद को पूर्णतया समाप्त कर समाजवाद को अपनाने में ही है, और समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण उपायों से नहीं बल्कि क्रांति से ही संभव है। लेकिन लॉस्की कभी भी मार्क्स से पूर्णतया सहमत नहीं हो पाया, ठीक है, और 1940 यानी 1940 ईस्वी के लगभग उसकी विचारधारा ने पुनः पलटा खाया, ठीक है, यानी पुनः पलटा खाया, और उसने मार्क्सवाद के स्थान पर प्रजातांत्रिक समाजवाद को अपनी विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाया। अब 1945 ईस्वी में जब ब्रिटेन में मजदूर दलीय सरकार बनी और मजदूर दलीय शासन में ब्रिटेन ने समाजवाद की दिशा में ठोस प्रगति की, तो प्रजातांत्रिक समाजवाद में मार्ग, ठीक है, के मार्ग में लॉस्की की आस्था और गहरी हो गई, ठीक है। आगे बात करें, इस प्रकार लॉस्की का राजनीतिक चिंतन बहुलवाद तथा श्रेणी समाजवाद से मार्क्सवाद और मार्क्सवाद से प्रजातांत्रिक समाजवाद की दिशा में एक प्रयाण, ठीक है, एक दिशा में एक महत्वपूर्ण, क्या था, एक महत्वपूर्ण प्रयास था, ठीक है, क्या था, इसे यहां पर ये प्रयाण नहीं होगा, एक महत्वपूर्ण प्रयास था, ये प्रश्न होता है आपका यहां पर समाप्त। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न जब भी आपका समाप्त होता है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ, वीडियो को बंद नहीं करना है, क्या करना है आपको,
रिवाइज करना है ना, बंद करने की जगह तुरंत उसे दोबारा से रिवाइंड करना है, यानी कि स्टार्टिंग से देखना है। जो स्पीड आपको सफिशियंट लगे, जिसमें आप देखना आपको बेहतर लगे, उस स्पीड को लगाइए, इससे आप समझ सकें। ठीक है, जितना मैंने अभी आपको समझाया वो दोबारा आपके माइंड में सेट हो जाए। अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गया, तब जब आप एग्जाम में बैठेंगे लिखने, तो आपको दाएं-बाएं नहीं झांकना होगा, आपको तुरंत लिखने रहेगा और साथ ही साथ फटाफट से लिखते जाएंगे, है ना। और जिससे आपके नंबर भी अच्छे आएंगे अगर आप अच्छे से लिखेंगे, है ना। बाकी लिखने को तो लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, जो पूछा है वो बात छोड़कर दुनिया भर की बात करते हैं ना। एग्जाम में आपसे जो भी एग्जामिनर पॉइंट पूछ रहा है, बस सीधे वही पॉइंट लिख दीजिए, है ना। इधर उधर दुनिया की बातें घुमा फिरा के लिखने से कोई फायदा नहीं होता है, नंबर भी बहुत कम मिलते हैं, इतने ज्यादा अच्छे तो मिलते नहीं है, है ना। चलिए, तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।